गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ, हमने उसके पूरे जनरल कैरेक्टर्स पढ़ा है, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स हमने कंप्लीट किया है। आज हमारा है टॉपिक, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, एक तो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ जो कि हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है प्रोटोजोन्स के अंदर हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो है क्लासिफिकेशन। इसके क्या है? क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स के क्लासिफिकेशन कि प्रोटोजोन्स में जो जो एनिमल्स आता है, ठीक है, वो किसके बेस्ड पे अलग अलग मतलब सब फाइलम में या क्लास में डिवाइडेड है, ठीक है। तो हमें पूरा प्रोटोजोआ का क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। अप टू क्लासेस, क्लास तक ही दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो फाइलम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम, फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है। अब जो प्रोटोजोआ जो है, ठीक है, प्रोटोजोआ जो है उसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेस ऑफ दियर लोकोमोटरी ऑर्गेनिज, ठीक है। उनके अंदर जो प्रोटोजोन्स के अंदर जो अलग अलग क्लास है या सब फाइलम है या सुपर क्लास, सब क्लास जो भी है, ठीक है, उनको अलग अलग मतलब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग मतलब कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस। मींस कौन से फाइलम प्रोटोजोआ के कौन से एनिमल्स में लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, किस में नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस है, फ्लैजिला है, सीलिया है या सीडोपोडिया है, उनके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन क्या है? बेस्ड है। प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन बेस्ड है, बेस्ड ऑन द लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस, ठीक है। लोकोमोटरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस, इनके लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस के बेस पे ही इनको क्लासिफाई किया हुआ है। अब प्रोटोजोआ जो है, फाइलम जो प्रोटोजोआ है वो ये तो फाइलम है, फाइलम हमने पढ़ा था, प्रोटोजोआ खुद क्या है? फाइलम है, ठीक है। जो फाइलम प्रोटोजोआ है वो फोर सब फाइलम में डिवाइडेड है। कितने सब फाइलम में डिवाइडेड है? फोर सब फाइलम में, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4, फोर सब फाइलम में डिवाइडेड है। सब फाइलम, फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू फोर सब फाइलम, ठीक है। पहला, पहला जो सब फाइलम है, फर्स्ट सब फाइलम इज सार्कोमेस्टिगोफोरा, सार्को मेस्टिगो फोरा, फोरा एस ए आर सी ओ एम एस टी आई जी ओ पी एच ओ आर ए, फोरा, सेरको मेस्टिगो फोरा। सेकेंड सब फाइलम है सुपरोजोआ, एस पी ओ आर ओ जेड ओ ए, सुपरोजोआ। थर्ड है नीडोस्पोरिया, नीडो सी एन आई डी ओ, नीडोस्पोरिया, ठीक है। एंड लास्ट इज, लास्ट जो सब फाइलम है सीलियोफोरा, सीलियोफोरा। तो फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस, ठीक है। फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू फोर सब फाइलम, फोर सब फाइलम, सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपरोजोआ, नीडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। ओके, अब इनमें इनको प्रोटोजोआ को अलग अलग सब फाइलम में क्यों डिवाइड किया हुआ है? क्योंकि इनमें अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस अगर प्रेजेंट है तो अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला अलग ग्रुप में होता है, सीलिया अलग ग्रुप में होता है, और सीडोपोडिया अलग ग्रुप में होता है, और किसी किसी में एब्सेंट है तो कौन से ग्रुप में एब्सेंट है, उसी के बेसिस पे ही इनको डिवाइड किया हुआ है चार सब फाइलम में। पहले हम देखते हैं, पहला जो फर्स्ट सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, सार्कोमेस्टिगोफोरा, सार्कोमेस्टिगोफोरा में एक्चुअली मेस्टिगो मीन्स फ्लैजिला, मेस्टिगो मीन्स फ्लैजिला, फोरा मीन्स बियरिंग, ठीक है। सार्को मीन्स सीडोपोडिया, ठीक है। इनमें क्या होता है? फ्लैजिला और सीडोपोडिया होता है। जो सब फाइलम, फर्स्ट सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, इनमें कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है? सीडोपोडिया और फ्लैजिला दो होता है, ठीक है।
means flagellate और flagella और pseudopodia होता है इनमें, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, पहला जो differences देखो, चार subphylum के अंदर बीच में differences क्या होता है, पहले locomotory organelles के basis पे ही हम differences देखेंगे, ठीक है। locomotory organelles के basis पे हम क्या देखेंगे, differences। अब इनमें क्या क्या differences है locomotory organelles के basis पे, इनमें जो locomotory organelles होता है पहले में जो sarcomastigophorans में, ठीक है, उसमें pseudopodia होता है, PSEUDO pseudopodia और and flagella present होता है, flagella present। इनमें जो locomotory organelles present होता है pseudopodia and flagella। इसमें अब इस ग्रुप में sporozoa में क्या होता है, इनमें locomotory organelles absent होता है, इनमें होता ही नहीं है, absent, locomotory organelles are absent। अब ये क्यों absent होता है, क्योंकि sporozoans जो होता है, sporozoa जो होता है वो क्या होता है, parasitic होता है, parasitic होता है, parasitic में locomotory organelles क्या होता है, absent होता है, ठीक है। अब parasites में locomotory organelles क्यों absent होता है, free living में locomotory organelles present होता है और parasitic में absent होता है, reason मैं बताऊंगी। देखो parasitic में locomotory organelles इसलिए absent होता है क्योंकि locomotory organelles जो चाहिए उस organism को किस किस लिए चाहिए, ताकि वो एक एक जगह से दूसरी जगह जा सके, लोकोमोशन कर सके, ठीक है। लोकोमोशन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब लोकोमोशन वो क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, क्योंकि इन सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्चिंग के लिए, ठीक है, सर्च फूड सर्च करने के लिए वो क्या करते हैं, जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनिज, अपने लोकोमोटरी ऑर्गेनिज को यूज़ करके वो इन सर्च ऑफ फूड मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। लेकिन पैरासाइटिक में जो फ्री लिविंग नहीं होता है, पैरासाइटिक में वो क्या होता है, वो ये तो इंडो पेरेसाइट होता है या एक्टो पेरेसाइट होता है। मान लो अगर कोई प्रोटोजोन्स, फॉर एग्जांपल प्लास्मोडियम, अगर मान लो वो बॉडी के अंदर रह रहा है किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रह रहा है, फॉर एग्जांपल प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम एक प्रोटोजोन है जो कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है, इंडो पेरेसाइट होता है। उसको क्या होता है, पेरेसाइट होने की वजह से प्लास्मोडियम को जो जो होस्ट का, ह्यूमन बीइंग का फुल्ली फॉर्म्ड रेडीमेड फूड सब कुछ मिल जाता है, उसके गट से या उसके ब्लड से सब कुछ उसको मिल जाता है, उस प्लास्मोडियम को, ठीक है, उस पेरेसाइट को, क्योंकि वो किसी के ऊपर या किसी के बॉडी के अंदर बैठा हुआ है, तो वो अपने होस्ट से सारा फूड ले लेता है, तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए पेरेसाइटिक में हमेशा लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। अब थर्ड सबफाइलम है नीडोस्पोरिया, नीडोस्पोरिया में भी क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या होता है, पेरेसाइटिक होता है, पेरेसाइटिक ऑफ किसके ऊपर पेरेसाइट होता है, मोस्टली ये फिशेस एंड फ्रॉक्स के ऊपर, फिशेस एंड फ्रॉक्स, ठीक है। एक्चुअली जो ये नीडोस्पोरिया है, ये सब फाइलम नीडोस्पोरिया है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमें ये नहीं पढ़ना है, ये वाला सब फाइलम हमें छोड़ना है, ठीक है, हमें पढ़ना है सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ एंड सीलियोफोरा। अब नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ सब फाइलम आता है सीलियोफोरा, सीलियोफोरा जो है, ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स क्या होगा, सीलिया, सीलियोफोरा, सीलिया, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है और क्या कौन सा होता है, सीलिया होता है, ठीक है, सीलिया इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होता है। मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स बता रही हूँ, ताकि कौन कौन से कैरेक्टर्स, कौन कौन से फीचर्स के बेसिस पे इनको प्रोटोजोआ को अलग अलग सबफाइलम में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा कैरेक्टर है जिसकी वजह से ये मतलब प्रोटोजोआ के ही अंदर क्लासिफाई हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस के बेसिस पे, न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो सार्कोमेस्टिगोफोरा, जो हमारा पहला जो सबफाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, इनके अंदर न्यूक्लियस एक ही प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर,
ठीक है, सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रोजन होता है, इनके बॉडी के अंदर जो सेल होता है यूनिसेल्यूलर होता है एक सेल, उस सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस, मींस मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मींस सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, अब सुपरोजुआ सेकंड जो सब फाइलम है सुपरोजुआ, उनमें भी एक ही न्यूक्लियस होता है, मोनोमॉर्फिक होता है, इनमें भी क्या होता है, मोनोमॉर्फिक। नीडोस्पोरिया इनमें भी क्या होता है, मोनोमॉर्फिक, मॉर्फिक, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जो फोर्थ सब फाइलम है सीलियोफोरा, इनमें न्यूक्लियस दो तरीके के न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, डाइमॉर्फिक। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डाई, डाई मीन्स दो, डाइमॉर्फिक, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, टू न्यूक्लियस प्रेजेंट, टू न्यूक्लियस प्रेजेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब दो न्यूक्लियस कौन कौन से होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। इससे अगर मैं बताऊं तो इनमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सीलियोफोरॉन्स में, ठीक है, सीलियोफोरा में इसमें दो न्यूक्लियस होता है, इसलिए इनके सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होने की वजह से इनको डायमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो दो होता है, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, MACRO, मैक्रो न्यूक्लियस, एंड नेक्स्ट इज माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है, जो बड़ा वाला न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस होता है, माइक्रोस छोटा वाला होता है। ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है वो कंसर्न होता है, ठीक है, फॉर फीडिंग, इट इज कंसर्न विथ फीडिंग, या ट्रॉफिक या वेजिटेटिव, इट इज कंसर्न विथ फीडिंग, फीडिंग, इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, फीडिंग होता है, फीडिंग करता है, फीडिंग, या ट्रॉफिक जिसे कहते हैं, ट्रॉफिक या वेजिटेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, फीडिंग या ट्रॉफिक या वेजिटेटिव कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मैक्रो न्यूक्लियस जो सीलियोफोरन्स के सेल के अंदर जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है उसका फंक्शन होता है फीडिंग करना, सेल को क्या करना, फीडिंग करना। माइक्रो न्यूक्लियस जो छोटे वाला न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में मदद देता है ये, ठीक है, रिप्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पर्पस होता है माइक्रो न्यूक्लियस। तो इसलिए ये सब डिफरेंसेस होने की वजह से प्रोटोजोआ को चार सबफाइलम में डिवाइड किया हुआ है, सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपरोजोआ, नीडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। अब हम इन एक-एक जो सब फाइलम है इनको पढ़ेंगे, सार्कोमेस्टिगोफोरा को हम अलग से पढ़ेंगे, इसके क्या सुपर क्लास या क्लास ऑर्डर जो भी है सुपरोजोआ के पढ़ेंगे, नीडोस्पोरिया हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सीलियोफोरा के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे सार्कोमेस्टिगोफोरा, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा सार्को मेस्टिगोफोरा, सब फाइलम सार्को मेस्टिगोफोरा। ठीक है, ये क्या है, सब फाइलम, फाइलम कौन सा है, फाइलम प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सार्को मेस्टिगोफोरा, सब फाइलम है ये, सब फाइलम। ठीक है, जो सब फाइलम सार्को मेस्टिगोफोरा है पहले वाला, ठीक है, ये डिवाइड किया हुआ है तीन सुपर क्लास में, थ्री सुपर क्लासेस, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सुपर क्लासेस, अब फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा एंड इसके बाद आ जाता है सुपर क्लासेस, सुपर सुपर क्लासेस, थ्री सुपर क्लासेस में। ठीक है, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सुपर क्लासेस, फर्स्ट इज मेस्टिगोफोरा, फर्स्ट जो सुपर क्लास है वो है मेस्टिगोफोरा, मेस्टिगोफोरा, सेकंड है, सेकंड जो सुपर क्लास है ओपा लिनेटा, ओपा लिनेटा, एंड थर्ड इज सार्कोडिना, थर्ड इज सार्कोडिना,
स्टाफ को बीना ओके तो तीन सुपर क्लासेस में डिवाइड है सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सुपर क्लासेस ठीक है अब मेस्टिगोफोरम में हमने बताया था कि जो सार्कोमेस्टिगोफोरम्स होता है इसमें देखो जो सार्कोमेस्टिगोफोरम्स होता है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म सीरोपोडिया भी होता है फ्लेजिला भी होता है ठीक है लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है सीरोपोडिया और फ्लेजिला दोनों अब जो सार्कोमेस्टिगोफोरम में सीरोपोडिया भी होगा और फ्लेजिला भी होगा अब इन तीन क्लास में को किसके अंदर फ्लेजिला प्रेजेंट होता है किसके अंदर मतलब सीरोपोडिया प्रेजेंट होता है इसके बेसिस पे ही सार्कोमेस्टिगोफोरा को तीन में डिवाइड किया हुआ है मेस्टिगोफोरा जो पहला सुपर क्लास है मेस्टिगोफोरा इनमें क्या होता है फ्लेजिला प्रेजेंट होता है और सार्कोजीना में क्या प्रेजेंट होता है सीरोपोडिया होता है ठीक है ये हमें नहीं पढ़ना है ओपन लेनीटा इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है अब मेस्टिगोफोरा जिनको कॉमनली नोन एज फ्लेजिलेट्स भी कहा जाता है दीज आर कॉमनली कॉल्ड फ्लेजिलेट्स ठीक है इनमें कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होता है फ्लेजिला प्रेजेंट होता है और सार्कोडिना में कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होता है सीरोपोडिया होता है सीरोपोडिया जिसको फॉल्स फूट भी कहा जाता है सीरोपोडिया को फॉल्स फूट भी कहा जाता है फूट भी कहा जाता है ठीक है अब देखो फिर इसमें मेस्टिगोफोरा के जो फ्लेजिलेट्स है या मेस्टिगोफोरम से इसके दो सब क्लासेस है इट इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस सुपर क्लास के बाद क्लासेस आता है ठीक है टू क्लासेस फर्स्ट इज फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड सेकंड क्लास इज ये सिर्फ मेस्टिगोफोरा की सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा के अंदर जिनको फ्लेजिलेट्स कहा जाता है इसके अंदर दो क्लासेस है फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड यूमेस्टिगोफोरा फाइटोमेस्टिगोफोरा और यूमेस्टिगोफोरा में क्या डिफरेंसेस है फाइटोमेस्टिगोफोरा में एक ग्रीन कलर की पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं सॉरी ब्लू कलर की पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं ठीक है जिसको क्रोमेटोफोर्स कहते हैं और इनमें एब्सेंट होता है तो ब्लू कलर पिगमेंट कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स इज प्रेजेंट क्रोमेटोफोर इनमें क्या होता है प्रेजेंट होता है क्रोमेटोफोर्स इज प्रेजेंट जो कि ब्लू कलर की होते हैं ब्लू कलर पिगमेंट कॉल्ड क्रोमेटोफोर इज प्रेजेंट इनमें क्रोमेटोफोर क्या होता है एब्सेंट होता है इसलिए इनको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया है अगर इसमें हम फाइटोमेस्टिगोफोरा में एग्जांपल्स दें तो इसमें एग्जांपल आता है हमारा यूक्लिना वॉल्वॉक्स एक्स्ट्रा ठीक है यूमेस्टिगोफोरा में एग्जांपल हमारा आता है जो कि मोस्टली पैरासाइटिक होता है यूमेस्टिगोफोरम्स ठीक है इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा ट्रायपानोसोमा लेशमानिया जियार्डिया और ट्राइकोनिम्फा ये बाकी सब ये सब क्या होता है यूमेस्टिगोफोरा होता है जिनके अंदर क्या होता है इनके अंदर क्या होता है प्रेजेंट नहीं होता है क्रोमेटोफोर्स एब्सेंट होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है तो हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन में कि प्रोटोजोन्स जो होता है प्रोटोजोआ जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है चार सब फाइलम में ठीक है पहला जो सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा सेकंड इज प्रोटोजोआ थर्ड इज नीडोस्पोरिया फोर्थ इज सीलियोफोरा अब जो सार्कोमेस्टिगोफोरा है उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होता है सीडोपोडिया एंड फ्लेजिला सुपरोजोआ में एब्सेंट होता है क्योंकि ये पैरासाइटिक होता है नीडोस्पोरिया में भी एब्सेंट होता है क्योंकि ये भी पैरासाइटिक होता है सीलियोफोरा में सीलिया प्रेजेंट होता है इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर न्यूक्लियस होता है मोनोमॉर्फिक होता है एक ही न्यूक्लियस होता है सिंगल न्यूक्लियस इनके अंदर भी सिंगल न्यूक्लियस होता है मोनोमॉर्फिक नीडोस्पोरा में भी मोनोमॉर्फिक होता है सिंगल न्यूक्लियस और सीलियोफोरा में डायमॉर्फिक होता है दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो